तारीख 18 फेब 2024 को जिन शासन के एक महान तेजस्वी सूर्य के समान आगम ग्रंथों के ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महापुरुष संगस्थवीर श्री सागर समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति दीर्घ संयमी परम पूजा आचार्य भगवान श्री दौलत सागर सुरेश जी महाराज साहब ने 103 वर्ष का आयुष्य और 85 ईयर्स का सुदीर्घ दीक्षा पर्याय पूर्ण कर देवलोक की ओर महाप्रयाण किया। पूज्य श्री वर्तमान में सबसे अधिक दीक्षा पर्याय वाले आचार्य भगवंत थे। दीक्षा पर्याय यानी कि दीक्षा लेने के बाद का टाइम स्पैन पूज्य श्री ने जैन जन्म से नहीं कर्म से बना जाता है इस बात को 100% प्रूव करके बताया है। जन्म से अजैन होने के बावजूद भी वर्तमान समय में संघ स्थवीर पद पर विराजित हुए। आइए जानते हैं पूज्य श्री के जीवन से जुड़ी अद्भुत बातों को इस प्रस्तुति के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1, पूज्य श्री का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जेतपुर गांव के एक पटेल परिवार में हुआ था। पिता मलदास भाई और माता दिवाली बहन ने पुत्र का नाम शंकर रखा था। लगभग 13 से 14 वर्ष की उम्र में धन उपार्जन के उद्देश्य से शंकर भाई अहमदाबाद आए और एक जैन दंपति के यहाँ रहने लगे। उस समय 14 वर्ष की उम्र में पहली बार शंकर भाई ने श्राविका चंपा बहन के मुख से नवकार महामंत्र सुना था। जैन परिवार में रहते हुए प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन आदि प्रसंग आने के कारण उनके जीवन में धार्मिक संस्कारों का सिंचन होता गया। पूज्य श्री ने 18 साल की उम्र में पहली बार जैन गुरु भगवंत के दर्शन किए थे। उस समय अहमदाबाद में आगमोद्धारक पूजाचार्य भगवान श्री आनंद सागर सुरेश जी महाराज साहब के शिष्य रत्न पूजाचार्य भगवान श्री देवेंद्र सागर सुरेश जी महाराज साहब का चातुर्मास था और चातुर्मास के दौरान नित्य आराधना आदि में जुड़ने से शंकर भाई के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गए। पूज्य श्री ने 19 वर्ष की उम्र में विक्रम संवत 1996 में कार्तिक वदी दशम के दिन घर से भागकर मध्यरात्रि के समय पूज्य आनंद सागर सुरेश जी महाराज साहब के हाथों से रजोहरण प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण की थी और दीक्षा के तुरंत बाद ही 67 किलोमीटर्स का प्रथम विहार किया था। पूज्य श्री शायद एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दीक्षा के बाद सर्वप्रथम राय यानी कि सुबह का प्रतिक्रमण किया था। दीक्षा के समय पूज्य श्री को सिर्फ नवकार महामंत्र और करेमी भंते यही दो सूत्र आते थे। पूज्य श्री को विक्रम संवत 2042 वैशाख सुदी छठ के दिन उपाध्याय पद, विक्रम संवत 2044 फागन वदी तीज के दिन आचार्य पद, विक्रम संवत 2066 फागन सुदी एकम के दिन गच्छाधिपति पद प्रदान किया गया। पॉइंट नंबर 2, क्षोपक्षम के धनी पूज्य आचार्य श्री का स्वाध्याय एवं आगम ग्रंथों के प्रति अद्भुत लगाव था। इनका अलग लेवल का मेमोरी पावर था, शायद हमें चमत्कार लगेगा। पूज्य श्री ने दीक्षा के बाद सिर्फ 12 दिन में पंच प्रतिक्रमण सूत्र पक्के किए थे। मात्र 6 दिनों में 6 कर्म ग्रंथ याद किए थे। 36 घंटे में नवस्मरण, 24 घंटे में वीतराग स्तोत्र की 225 गाथा, 108 अट्ठम यानी कि 3 उपवास, फिर पाड़ना, फिर से 3 उपवास, ऐसे एक साथ 108 बार 3 उपवास करके संवेग रंगशाला ग्रंथ के 10,000 श्लोक कंठस्थ किए थे। पूज्य श्री ने पूज्य सागरानंद सुरेश जी महाराज साहब के पास 9 साल में 45 आगमों का अध्ययन किया था। जिन्हें पढ़ने में या फिर गाथा करने में इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे व्यक्तियों को इनसे सच में इंस्पिरेशन लेने जैसा है। क्या इनकी ब्रेन की कैपेसिटी रही होगी, सोचने जैसा है। पूज्य श्री में आगम अध्ययन के प्रति ऐसा अद्भुत सत्व था कि उन्होंने ये नियम लिया था कि जब तक वे 45 आगमों का वांछन नहीं करते तब तक उन्हें 6 विगय का त्याग रहेगा। पूज्य श्री ने आज तक 9 नए आगम मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिसके लिए पूज्य श्री ने 45 मूल आगमों को ताम्र पत्र में अंकित करवाया, जिससे लंबे समय तक आगम उपलब्ध रहेंगे। ऐसे कई कार्य हमारे दिमाग में ना बैठे वैसे इन्होंने किए हैं और दिन रात एकाग्रता के साथ शुद्ध भक्ति करते हुए पूज्य श्री को जिन आगम सेवी बिरुद दिया गया। आगम हृदय में इस प्रकार कंठस्थ थे कि 90 साल की उम्र में भी पूज्य श्री भगवती सूत्र पर प्रवचन देते थे। पूज्य श्री ने अपने जीवन काल में लगभग 70 से भी अधिक बार 45 आगमों का वांछन किया। हाथ में माला, हृदय में आगम और होठ पर प्रभु वचन आचार्य श्री इस त्रिपुटी के साक्षात्कार थे। पॉइंट नंबर 3, पूज्य श्री की परमात्मा के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। पूज्य श्री दीक्षा के बाद 55 से 60 साल तक जिस भी जिनालय में दर्शन हेतु जाते उस जिनालय में जितनी प्रतिमाएं होती वे सभी के सामने खड़े खड़े पूर्ण विधि के साथ 3 खमासमन अवश्य देते थे। पूज्य श्री ने श्री शत्रुंजय गिरिराज पर तलहटी से लेकर मुख्य श्री आदिनाथ भगवान के जिनालय तक बीच में जितनी भी प्रतिमाएं हैं सभी के समक्ष पूज्य श्री चैत्य वंदन कर चुके हैं। नमो अरिहंताणम पद का 20 करोड़ से अधिक जाप पूज्य श्री ने किया था। यह पूज्य श्री की अद्भुत परमात्मा भक्ति से जुड़ी एक छोटी सी घटना जानने जैसी है। आचार्य पदवी के कुछ महीनों के बाद पूज्य श्री ने श्री शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की। सुबह लगभग 6:30 बजे वे श्री आदिनाथ प्रभु के सामने बैठे और चैत्य वंदन शुरू किया और शाम के लगभग 4 बजे तक वो एक ही चैत्य वंदन चलता रहा और उसमें भी सिर्फ 5 से 6 स्तवन ही पूज्य श्री ने गाए थे। हम सोच भी नहीं सकते
कि लगभग एक एक घंटे तक एक ही स्तवन को गाते हुए पूज्य श्री भावो की किस गहराई में पहुंचे होंगे। रोजाना 15 से 16 घंटे तक आगमों का स्वाध्याय पूज्य श्री करते थे, और अगर उसमें कभी ब्रेक लेने जैसा लगे तो इधर उधर बात करना या फिर पंचायती करना या अन्य जगह टाइम वेस्ट करने की जगह वे जिनाले में पहुंच जाते और प्रभु को प्रदक्षिणा देना शुरू कर देते थे। पूज्य श्री ने अपने जीवन काल में लगभग 37 से अधिक जिनालयों की प्रतिष्ठा करवाई है। पॉइंट नंबर 4, पूज्य श्री की गुरु के प्रति भक्ति भी टॉप लेवल की थी। एक बार पूज्य श्री पुणे कातरज में विराजमान थे। उस समय उन्हें समाचार मिले कि अहमदाबाद में विराजमान उनके गुरुदेव श्री देवेंद्र सुरेश्वरजी महाराज साहब अस्वस्थ थे, यानी कि अनहेल्थी थे, और अगले ही दिन पूज्य श्री ने कातरज से अहमदाबाद की तरफ विहार शुरू कर दिया, और मात्र 18 दिन में 800 किलोमीटर का विहार कर वे अहमदाबाद अपने गुरु की सेवा में उपस्थित हो गए, यानी कि दिन का लगभग 45 किलोमीटर का विहार। कैसा अद्भुत गुरु सेवा का भाव। पॉइंट नंबर 5, पूज्य श्री संयम जीवन के सुविशुद्ध पालक भी थे। दीक्षा जीवन के दूसरे ही वर्ष से पूज्य श्री ने संलग्न यानी कि कंटिन्यूस 27 ईयर्स तक प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर 1008 खमासमण और 500 लोगस्य सूत्र के काउसक करने के बाद राई प्रतिक्रमण करने की अद्भुत आराधना की है। 80 साल की उम्र तक पूज्य श्री पैदल चलकर ही विहार करते थे। पूज्य श्री ने छठ के पारने छठ में 5 विगई का त्याग करके वर्षी तप की अद्भुत आराधना की है, छठ यानी कि 2 उपवास एक साथ। पूज्य श्री ने दीक्षा जीवन के 50 साल तक एक डायरी का भी परिग्रह नहीं रखा। यहाँ पर पूज्य श्री के मन में चारित्र धर्म के सिद्धांतों की कितनी जागृति थी उसे जानने के लिए एक छोटी सी घटना देखते हैं। एक बार पूज्य श्री ने लगातार 12 घंटे तक कायोत्सर किया। एक महात्मा द्वारा पूज्य श्री को कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि कल मेरे पैर पर 15 किलो की आगम की एक प्लेट गिरी थी, जिस कारण मेरे मुँह से छींक निकली। उस समय मुझे ख्याल आया कि इस शरीर पर कितना ममत्व भाव है, राग है। ये बात पूज्य श्री के मन में चुभ गई, और अगले ही दिन उस ममत्व भाव को, राग को तोड़ने के भाव से सुबह 5 बजे से लगातार शाम को 5 बजे तक पूज्य श्री ने कंटिन्यूस काउसग किया था। साधु जीवन की कैसी अद्भुत जागृति थी पूज्य श्री के हृदय में, सोचने जैसा है। पॉइंट नंबर 6, पूज्य श्री के सभी गुणों में से उनका ब्रह्मचर्य पालन का गुण टॉप पर था। पूज्य श्री ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी विजातीय यानी कि ऑपोजिट जेंडर, जैसे कि साध्वी जी भगवंत या किसी भी श्राविका बहन का नाम शुद्ध नहीं लिखा। पूज्य श्री विजातीय की तरफ देखते भी नहीं थे। 102 वर्ष की उम्र में एक बार एक बहन उपाश्रय में वंदन करने के लिए आए। बहन ने पूज्य श्री से कहा कि एक बार मेरी तरफ देख लीजिए साहिब जी, कृपा होगी। उस समय पूज्य श्री ने नम्रता के साथ हाथ जोड़कर स्पष्ट रूप से कहा कि बहन, मैं विजातीय की तरफ नहीं देख सकता, अगर आपने वंदन कर लिया है तो आप जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, साल 1954 में सूरत में एक आचार्य भगवान चातुर्मास के लिए विराजमान थे। एक दिन एक अजैन बहन आए और नमन करके उन्होंने उन आचार्य भगवान से कहा कि महाराज, आपका धर्म महान है, आपके साधु जी हमारे यहाँ कई बार आहार के लिए आए थे, आज भी आए थे। मैंने एक बात गौर से देखी कि वे साधु जी कभी भी मेरे सामने देखते ही नहीं है, बात भी नहीं करते, कुछ पूछो तो सिर्फ हम में उत्तर मिलता है, उनकी आंखें हमेशा झुकी हुई रहती है, ऐसी साधुता मैंने कहीं नहीं देखी है। वो आचार्य भगवंत ने उन महात्मा को बुलाया और पूछा कि क्या आप इन बहन के यह गोचरी के लिए गए थे। तब उन महात्मा ने कहा कि मैंने गोचरी के समय किसी के सामने देखा ही नहीं है गुरुदेव, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। अपने शिष्य की इस निर्विकारता को देखकर आचार्य भगवंत की आंखों से आंसू छलक आए। कुछ दिन बाद वो अजैन बहन अपने पति के साथ उपाश्रय आए और उन्होंने उन आचार्य भगवंत से कहा कि साहिब जी, इनकी भी सहमति है और हम तैयार भी हैं, इसलिए आप हमें आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दे दीजिए। उन आचार्य भगवंत ने सहर्ष उस अजैन कपल को आजीवन का ब्रह्मचर्य का पचखांड दिया। ये मुनि जो गोचरी के लिए गए थे और उस बहन का चेहरा भी नहीं देखा था, वो मुनि और कोई नहीं बल्कि श्री दौलत सागर जी महात्मा ही थे। कैसा अद्भुत ब्रह्मचर्य का पालन रहा होगा, सोचने जैसा है। 103 वर्ष की उम्र में भी विजातीय के सामने देखते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। हम किन लोगों को आइडल बनाते हैं और किन्हें बनाना चाहिए, सोचने जैसा है। कैसा अद्भुत ब्रह्मचर्य पालन इनका, हमारा सर नतमस्तक हो जाए। इस दुनिया में कई लोगों का जन्म इतिहास बनाने के लिए होता है, लेकिन हम ये बात पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा के साथ कह सकते हैं कि श्री संघ स्थवीर महापुरुष गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री दौलत सागर जी महाराज साहब का जन्म जिन शासन में इतिहास रचने के लिए हुआ था, जीते जी इतिहास रच दिया, ऐसा कह सकते हैं। इनके जीवन पर अनेकों बुक्स लिखी गई है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महापुरुष ने जिन शासन के लिए कितना कुछ किया है। 85 ईयर्स के संयम जीवन और 103 ईयर्स की आयु में 18 फरवरी 2024 को पुणे में पूज्य श्री का देवलोगमन हुआ। परमात्मा पूज्य श्री की आत्मा को जल्द से जल्द मोक्ष सुख प्रदान करे, यही प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।